आप चार यार लो जी हजूर ने फरमाया कि आ जाओ तुम भी असली रूप आ जाओ तुम भी बस हजूर ने चादर ला के परा तरी अल्लाह जाने केड़ी चादर लाई अल्लाह ही बेहतर जानता है जी केड़ी कोई चादर लाई सही खुदा जाने केड़ी चादर ला के परा तरी जिब्रील जबले बुकबेस के आकर रुक गए अल्लाह पाक ने फरमाया जा ना कि महबूब मेरा वो जिब्रील आगे जा महबूब को मिलने गया सलाम करने गया यहां से सिदरा से उड़ान भरी है तूने अब जागे का खुदाया इल्तजाए आज नहीं समझ भी मेनू आमदी आज आगे जान नहीं हो रहा फरमाया क्यों जिब्रील का मेरे मालिक जो नूर मुझे सिदरा से ऊपर नहीं जाने देता आज वही नूर मोहम्मद के करीब नहीं जाने देता समझ ये समझ सकता है अल्लाह का चक्कर तू करता है जी अल्लाह के लिए हम अल्लाह के बंदे हैं अल्लाह उसका है जिसके मुस्तफा इतनी जी कहानी है बस तुसा तुल देता है नहीं जी असि तो अल्लाह दे हां अजी शिरक ना हो जाए ओ बेलिया ओदे नाल मुहब्बत करना जी शिरक हुंदा तो रब आप करता है और रब केड़ी केड़ी चीज नहीं बनाई हो जने हो قل اللهم مالك الملك تؤت الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اے اودیاں شاناں نے رات آندی ہے تے پھر اونوں وچ کھچ کے وچوں دن لے آوندا ہے تے دن تاری ہو جاتا ہے تے کھچ کے وچوں رات لے آوندا ہے روزی جنوں چاہندا ہے جتھے چاہندا ہے جتنی چاہندا ہے جیویں چاہندا ہے دے دیندا ہے عزت اودے ہتھ وچ ذلت اودے ہتھ وچ خیر تے اودا قبضہ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰਕ ਗਰਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਅਬਰ ਬਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਜੰਨਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਕਲਮਾ ਪੜਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾ ਹੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕਰ ਬਤਾਓ ਗੂਨਾ ਗੂੰ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੀ ਹੋ ਤੋ ਵੋ ਬਤਾਓ हजार आलम बनाए हैं उसने लेकिन वो कहता है एक शय भी मेरी आंखों में खूबी नहीं है पर आमना के लाल तेरी तस्वीर तेरे रब की आंखों में खूब गई है आर दिए ना पार दिए कल सारी सरकार दिए आर दिए ना पार दिए कल सारी सरकार दिए इतनी सी जिसके महबूब हो गए हो गया हो गया हो गया अभी तो परेशान अल्लाह 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 खुदा के बंदो सहाबाए कराम अल्लाह की कसम चाह के मैं आदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैं अपनी इना अखा नाल हदीस शरीफ पढ़ी है फतावा रिजविया शरीफ एक सहाबी अपने गुलाम नु कोड़े पे मारदे सन उस कोलो कोई गलती हो गई बहुत बड़ी सहाबी उन कोड़े पे मारन ਉਹ ਅਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਯਕ ਲਕ ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਤੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਕੇ ਸਦਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਬੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਖਾਲਿਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਕਾਨ ਮੇ ਆਇਆ उन्होंने उसे छोड़ दिया और दूर खड़े हजूर देख रहे थे हजूर करीब आए हजूर ने आकर ये नहीं फरमाया मेरे नाम पर क्यों छोड़ा और खुदा के नाम पर क्यों नहीं छोड़ा बल्कि हजूर ने आकर कहा अगर तू मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे नाम पर छोड़ा है फिर तू मेरी वो हदीस भी ज़हन में रख कि गुलामा से ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए आला हज़रत बरेलवी इस हदीस को लिखने के बाद फरमाते हैं गौर कीजिए होश कीजिए कि हजूर ने ये नहीं फरमाया कि तूने मेरे नाम पर क्यों छोड़ा क्योंकि हजूर भी जानते हैं जो मेरा हो जाता है वो खुदा का होता है
बल्कि खुदा का होता ही वो है जो मुस्तफा का हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला को हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंगूठी ले जा, एड़ी उते लिखवा के ले आ अल्लाह। सुनारे को ले गए अंगूठी, उन्हें कहते लिख अल्लाह जल्ला जलालू नाल लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर ने तो नहीं फरमाया था मेरा नाम लिखाओ। आज हमारे भाभी भाई मिट मिट में हमें कहते कितने लिखे चंडियां लाओ, कितने लिखे चंडे लाओ, कितने लिखे बत्तियां लाओ। इश्क किताबें नहीं देखता, ये याद रखना। हम किताबों में से भी बता सकते हैं पर इश्क किताबा नहीं देखता। बड़ा मजमा है अल्लाह को हाजिर जानकर बोलना, मैं बुखारी पढ़ने लगा। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी फरमाते हैं कि हमारा सहाबा का हजूर के साथ मामला क्या था। नाम है इनका अनस बिन मालिक, नाम किया फरमाते लकद रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को जहलकु व ताफ बिय साबहु, हुजूर के जिस टाइम नई बाल काटता था तो सारे सहाबा नई का तवाफ करते थे। ये तिर्मिजी में जो हदीस ना निकले मेरी तौण वढ़ दियो। नई का तवाफ करने का क्या मतलब था? वो कहते थे नई का तवाफ करने का मतलब सिर्फ ये था कि नई दी इकादत होंदी इधर मेनू ईमान से बताओ ऐसे ही है कि नहीं? उच्चा बोलो जे कदे खत शत बनवाण गए हो तो जाते सारे ही हो, खाली सिख ही नहीं जाते, मुसलमान तो जाते ही नहीं। तो दसो मेनू भाई करे खत शत बनवाया जी जी है तो कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर आ जाता है। अनस बिन मालिक फरमाते हैं जब हजूर का नाई इधर होता नाई पाक, जब हजूर का नाई इधर होता तो पूरी जमात इधर आ जाती, जदों इत्थे आउंदे वो जमात इत्थे आ जाती, जदों इत्थे आउंदा जमात इत्थे आउंदी, जिधर जिधर नाई फिरदा सिद्दीको अली भी उधर फिरदे। अब तुम ये कहोगे कि सिद्दीक उमर की तो बड़ी शान है, नाई के गिर्द क्यों फिरते थे? गल नाई दी नहीं, गल नाई दी नहीं, गल सारी एक बारी मजमा रल के बोले गल सारी सरकार दीए, गल सारी सरकार दीए, वो बोलो गल सारी सरकार दीए। मेरे कलेजे के टुकड़ो, अब ये सहाबा का अंदाज बाल थले डिगण देंदे फमा युरीदूना इल्ला अंतका शारतुन फी यदे रजुलिन, उनका सिर्फ एक गर्ज होती थी कि हजूर दा बाल मुबारक थले ना आवे सड़े हाथ ते आवे। अच्छा अब तशरीफ रखना, अब तशरीफ रखना जी, बैठना बैठना, आप भी बैठ जाए, अब आप भी पीर जी बैठ जाए। दूसरी हदीस शरीफ सुने, बुखारी की सुने, अपने हाथों पर लेकर चेहरे पे मल लिया। ये बुखारी शरीफ सुना रहा हूं, अंगूठे चुमो तो परेशानी, ये क्या हो रहा है? इससे भी आगे है बच्ची गल, कालत उम्मे अयमन, हजरत उम्मे अयमन फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम रातीं उठे, आप फखारा की तरफ गए, इला जाने बिल बैत फबाला फिया, उदे पेशाब मुबारक फरमाया, फिर सह गए, कालत फकुम तो मैं लई राती में भी उठी, वानात शाह मैं त्रे लगी हुई सी, फशरिब तो माफिल फखारा, मैं लकड़ दे प्याले च पी गई जो है सी, वान लाशो मैनू रत्ती बराबर उदे विचों पिशाब दी महक नहीं आई बल्कि मुश्को अंबर दियां खुशबू। लम्मा सुबह सवेर हुई, हजूर ने फरमाया या उम्मे अयमन,
قومی الى تلك الفخاره پہاڑی کی انو حضور نے فرمایا اٹھو میں امن او پیالے وچ جو ہے زمین دے حوالے کر قلت یا رسول اللہ والله قد شربت ما في الفخاره میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ دی قسم ہے سونے ہوں میں تے پی گئی فداہک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتا بدت نواجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتا بدت نواجزہ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی پھر مسکرا کر کہنے لگے اما انک لا جب جو بطنوں کی بعدہ عبدا وہ تو کہتی ہوتی تھی نا تیرے پیٹ میں درد ہوتا ہے جا آج کے بعد پیٹ میں درد نہیں ہوگا بچیا جی لوہاب کا مقابلہ نہیں جی پیشاب پاک کا مقابلہ نہیں اس پورے محمد کا کتھو مقابلہ ہو سکتا ہے وہ مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا میں تو ایک بڑی مزیدار گل سنا وا جی کدھر تم جاگتے ہو پہلے ایک بخاری کی حدیث نہیں سنا وا جلدی جلدی سناواں مینوں مدے نظر ہے بھائی پنڈ دا ماحول ہے میں زیادہ عربیاں نہ سناں دا ترجمہ سن لو